अरहम, बीए द्वितीय वर्ष, विषय संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य का द्वितीय पत्र, काव्य नाटक, कोश, छंद एवं अलंकार। हमने अपने पूर्व लेक्चर में डिस्कस किया कि काव्य नाटक क्या है। काव्य नाटक के एक प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम को हमने पढ़ा समझा। आज हम काव्य नाटक एवं कोश, इन दो चीज़ों के बारे में और चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में एक किताब और है, सैमुशी और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये दो काव्य नाटक के अंतर्गत रखी गई हैं, जिसमें हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का डिस्कस पहले इसके बारे में डिस्कशन हमने पहले किया, और आज हम सैमुशी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके उसका परिचय प्राप्त करेंगे और उसके विषय वस्तु को जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कोश, जो आपके कोर्स के अंतर्गत रखा गया है, जिसका नाम है अभिधान चिंतामणि, आज हम उस कोश के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभिधान चिंतामणि कोश, जो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य द्वारा रचित हैं। हम देखें कि जब कोई भाषा हम पढ़ते हैं तो जरूरत जरूरी है कि भाषा को, यदि यदि भाषा के ऊपर हमारा अधिकार हो, अधिकार करने के लिए ज़रूरी है हमें उसके कोश का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात हमें उसके वोकैबुलरी का ज्ञान होना चाहिए, डिक्शनरी का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। अतः शब्दकोश हमारा अच्छा हो बने, इसके लिए आपके पाठ्यक्रम के इस विषय में, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह किताब भी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो हम इस विषय के बारे में भी जानेंगे। कोश का मूल, हम कह सकते हैं कि उसका जो मेन महत्व है वह यह है कि यदि हम भाषा को अधिकार पूर्वक बोलना चाहते हैं तो कोश का अध्ययन जरूरी है। साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, साहित्य को समझना चाहते हैं, भले वह काव्य हो, कोई भी प्रकार का काव्य हो, तो हमें कोश का ज्ञान होना जरूरी है। अतः आपके कोर्स में यह पुस्तक रखी गई है। हेमचंद्राचार्य कलिकार सर्वज्ञ ने अभिधान चिंतामणि नामक कोश की रचना की, और इस कोश में से आपके पाठ्यक्रम में कुल 90 श्लोक हैं, जो 60 से लेकर के 120 तक हैं। तो हम इन श्लोकों की पूर्ण चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन किस रूप में आपको इसको पढ़ना है वो बताना चाहेंगे। कुछ टिप्स आपको बताएंगे कि इसको किस रूप में पढ़ा जाए। आप सामने देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ श्लोक हैं जो आपके पाठ्यक्रम में इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में रखे हुए हैं, तो वे श्लोक आप देख रहे हैं। तो इस श्लोक को हमें किस रूप में पढ़ना है और जानना है। पहली बात है कि आपको इसको कंठस्थ करना है, आपको यह इसे पूर्ण रूप से याद करना है, और याद करने पर परीक्षा में यदि आपका कोई ऐसे पूछा जाता है कि आप पर्टिकुलर श्लोक की पूर्ति कीजिए, तो आपको उस श्लोक की पूर्ति करनी है, वह बिना कंठस्थ के संभव नहीं हो सकती। इसीलिए पहली बात है, आपको इसको कंठस्थ करना चाहिए। और दूसरी बात कि जब आप इसे कंठस्थ कर रहे हैं, उसके बाद इसका आप शब्द का अर्थ का ज्ञान भी कर लें, अर्थात जिस रूप में आप यहाँ श्लोक देख रहे हैं, परह शताद्यास्ते येषां परा संख्या शताधिकात् प्राज्यं प्रभूतं प्रचुरं बहुलं बहु पुष्कलं, इस रूप में ये आप श्लोक देख रहे हैं। तो इन श्लोकों के कंठस्थ होने के बाद इनका अर्थ, जो आपके पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है उसमें नीचे ही इसका अर्थ दिया गया है, हिंदी में इसका अर्थ दिया गया है। इस कोश में इस रूप में है कि एक शब्द का कितने सारे पर्यायवाची शब्द हैं या कितने अर्थ हैं, उन सब का पर्यायवाची या उनका अर्थ जो है वो यहाँ पर दिया गया है, जो हिंदी में भी आपको उपलब्ध है और संस्कृत में भी उपलब्ध है। जैसे आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, पर शताद्यास्ते येषां परा संख्या शताधिकात् प्राज्यं प्रभूतं प्रचुरं बहुलं बहु पुष्कलं भूयिष्ठं पुरुहं भूयो भूर्यदभ्र भूर्यदभ्र पुरु स्थिरम्, इस रूप में इस श्लोक में कोई ये तीन पंक्तियां हैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ ये है कि यदि 100 से अधिक कोई चीज़ के बारे में आप कह रहे हो, या 100 से अधिक जब आप गणना कर रहे हो, तो आप वहाँ पर शब्द के 100 के साथ पर शब्द लगाते ही उसका अर्थ ये हो जाएगा कि वह 100 से अधिक है। जैसे पर शतादि शत है, तो पर शत आपने आपके सहस्र, अगर हजार से ऊपर है तो सहस्र है, तो सहस्र से अधिक बताना है तो उसके लिए पर सहस्र, और लक्ष्य लाख से ऊपर है तो परो लक्ष्य। इस रूप में आप पर शब्द यदि पूर्व में लगाकर पीछे लक्ष्य है या सहस्र है या शत है,
जो भी है लगाते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि 100 से अधिक, 1000 से अधिक, लाख से अधिक, इस रूप में इसका अर्थ है। दूसरी पंक्ति में आप देख रहे हैं प्राज्यम प्रभूतम प्रचुरम बहुलम बहु पुष्कलम। तो इस पंक्ति में केवल इसका अर्थ होता है कि प्रचुर, प्रचुर अर्थात काफी, जो बहुत ज्यादा है, तो उस प्रचुर या बहुत ज्यादा के लिए 13 शब्द पर्यायवाची रूप में बताए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्राज्यम प्रभूतम प्रचुरम बहुलम बहु पुष्कलम भूयिष्ठम पुरुहम भूयः भूरि अदभ्रम पुरुह स्फिरम। ये सब, ये जितने ही शब्द हैं, ये 13 शब्द सब प्रचुर यानी काफी के पर्यायवाची है, जो प्रचुर के अर्थ में ही हमें साहित्य में प्राप्त होते हैं। इसी रूप में आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, इस ये श्लोक आप देख रहे हैं शोकम क्षुलम, शोकम क्षुल्लम तुच्छमल्पम दभ्रनुतलिनानी च तनु क्षुद्रम कृशम सूक्ष्मम पुनः लक्षणश्च पेलवम। ये आप देख रहे हैं, तो इसमें, इस श्लोक में हमें दो चीजों के बारे में, दो शब्दों के पर्यायवाची और अर्थ बताया गया है। एक है थोड़ा, थोड़ा अर्थात जो, जिसको स्तोक, अगर संस्कृत में उसके लिए शब्द होगा स्तोक, और उसके लिए 10 पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। स्तोक के लिए आया स्तोकम, यानी थोड़े के लिए आया है स्तोकम, क्षुल्लम तुच्छम अल्पम दभ्रम अणु तलिनम तनु क्षुद्रम कृशम। इस रूप में आप इसके पर्यायवाची देख सकते हैं। और एक जो नीचे वाली लाइन है उसमें ये और दिया है सूक्ष्म या फिर चिकनेपन को, चिकनेपन के लिए 3 नाम आए हैं सूक्ष्मम लक्षणम पेलवम, इस रूप में उसके लिए पर्यायवाची शब्द हमें प्राप्त होते हैं। जैसे तुटौ मात्रा लवो लेश कणो रस्वम पुनर्लघु, इस पंक्ति में हमें अत्यंत कम के लिए पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। अत्यंत कम या जो लेश मात्र होता है उसके लिए त्रुटौ मात्रा लवो लेश कणो रस्व, जो त्रुटि है, मात्रा है, लव लेश है, कणो है, कण है और रस्व है, ये सब इस अत्यंत कम के लिए प्रयुक्त होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस रूप में इसमें और ज्यादा कोई डिस्कशन की बात नहीं है। अभिधान चिंतामणि कोश को आप केवल कंटस्थ करेंगे, कंटस्थ के बाद उनके नीचे दिए गए फुटनोट में जो अर्थ दिए गए हैं उन अर्थ को जानेंगे, और एक शब्द के कितने पर्यायवाची शब्द हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछने पर आपको उन, यदि हिंदी में पूछा जाए कि प्रचुरम के लिए आप कोई पर्यायवाची शब्द दीजिए, तो आपको प्रचुरम के लिए शब्द देना होगा। वैसे ही यदि आपको ये पूछा जाए कि अत्यंत कम के लिए कोई पर्यायवाची शब्द दीजिए, 5 शब्द लिखिए, तो आपको ये याद रहना होगा कि लवो लेश कण रस्व मात्रा त्रुटि ये सब किसके लिए है, ये सब लघु के लिए हैं, इस मतलब जो अत्यंत कम है उसके पर्यायवाची शब्द है। सूक्ष्म के लिए भी जो पर्यायवाची शब्द हमने देखे, इस रूप में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कितने पर्यायवाची शब्द किसके लिए क्या यूज किया गया है। और जब प्रश्न पूछा जाए संस्कृत के लिए हिंदी या हिंदी के लिए संस्कृत, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत दूसरी किताब एक और है जो काव्य नाटक के अंतर्गत रखी गई है, वह है सैमुशी। यहाँ इस सैमुशी में यहाँ आपको शब्द की ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, शब्द का सैमुशी सैमुशी होना था, उसमें मात्रा गलत लिखी गई है, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो सैमुशी ये जो पुस्तक आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखी गई है, इसके रचयिता है युवाचार्य श्री महाश्रमण। और इस किताब में लघु कथाएँ हैं, कुल 40 कथाएँ हैं जो एकदम छोटी छोटी हैं, और इन कथाओं के माध्यम से कवि यह चाहते थे कि इस सैमुशी के द्वारा एक संस्कृत विद्यार्थी अपने व्याकरण का ज्ञान अच्छा कर पाए और अपनी संस्कृत भाषा का ज्ञान वह और अच्छा कर पाए, इसके लिए यह किताब आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत, या कह सकते हैं कि इस रचनाकार ने इसलिए इस पुस्तक की रचना की है, संस्कृत ज्ञान वृद्धि के लिए। सैमुशी का अर्थ है अर्थात प्रज्ञा, आपकी प्रज्ञा जागृत हो, इस रूप में इस सैमुशी नामक पुस्तक में कथाएं वर्णित है जो आपकी प्रज्ञा को, आपके ज्ञान को विकास का मार्ग प्रदान करती हैं। हम कुछ विशेषताएं देखें इस सैमुशी किताब में, तो कुछ विशेषता आपके सामने, जहां आपको आपके सामने दिख रही है, सच्चरित्र संबंधित कथा है। इस सैमुशी कथा में
कुल 40 कथाएं हैं और इन कथाएं कथाओं का ये एक विशेषता रही है कि ये कथाएं जो हैं या तो इतिहास प्रसिद्ध हैं या फिर काल्पनिक हैं। लेकिन इतिहास प्रसिद्ध घटनाएं भी कुछ हमें कुछ न कुछ मार्मिक मर्म दे रही हैं और काल्पनिक घटनाएं भी हमें अपने जीवन निर्माण के लिए कुछ न कुछ प्रेरणा दे रही हैं। इसमें जो वर्णित घटनाएं हैं वे अनेक विषयों से संबंधित हैं, जो कुछ विषय संबंधित हमने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है, जैसे सच्चरित्र संबंधित हैं, मानवीय मूल्य संबंधित कथाएं इसमें वर्णित है, जिस तरफ आप इसमें देख सकते हैं श्रम निष्ठा, न्याय निष्ठा, आचार निष्ठा, ये सब मानवीय मूल्य हैं, जो समता का भाव रखना, उदारता का भाव होना, ये सब क्षमा का भाव होना, मैत्री का भाव होना, ये सब प्रकार के मानवीय मूल्य संबंधित कथाएं इसमें वर्णित हैं। और आध्यात्मिक तत्व संबंधी भी कथाएं इसमें वर्णित हैं, धर्म और संप्रदाय से संबंधित कथा है। तो वही अध्यात्म फल क्या, अध्यात्म का फल क्या है, आत्मा का हमें यदि हम आत्म संप्रेक्षण करते हैं तो उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। इतना ही नहीं, हमारे भीतर कुछ ऐसे गुण हो जिस रूप में अप्रमाद का गुण हो और एकत्व भावना, सत्यवादिता, अहिंसा, ये सब जो आध्यात्मिक गुण हैं उनसे संबंधित भी इसमें कथना वर्णित हैं। और कुछ दार्शनिक तत्व संबंधित कथाएं वर्णित हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि कर्म सिद्धांत, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो हम दर्शन शास्त्र में देखते हैं, इस सिद्धांत से संबंधित कथा है। तो वहीं पर पुरुषार्थ से संबंधित कथाएं यहाँ पे वर्णित है, जो दार्शनिक तत्व संबंधित है। और आत्मा, जो दार्शनिक का एक मूल, दर्शन शास्त्र का एक मूल तत्व है, उसके बारे में भी यहाँ पर कथा प्राप्त होती है। साथ ही व्यवहारिक जीवन संबंधित, चाहे हम देखें सारी की 40 घटनाएं हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित किसी न किसी रूप में बताई गई हैं, और इसमें व्यवहारिक जीवन संबंधित घटनाएं हैं। बुद्धि कौशल को, यानी बौद्धिक कौशल को बढ़ाने वाली कुछ कथा, ऐसी कथाएं इसमें वर्णित है जो हमारे बौद्धिक और बुद्धि को बढ़ाने, बुद्धि का ज्ञान विकास करने के लिए हेतुभूत होती हैं। व्यवहारिक जीवन संबंधित है, बौद्धिक कौशल को बढ़ाने वाली, व्याकरण का सुंदर प्रयोग इसमें हमें देखने को मिलता है। यह एक कवि इस कह सकते हैं कि इस सहमुशी में हम देखते हैं कि कवि ने या रचनाकार ने जिस प्रकार का व्याकरण का प्रयोग इसमें किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें व्याकरण के प्रयोग रूप में कई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है, कर्मवाच्य और भाववाच्य का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो धातु पाठ के जो हम 10 गण कहते हैं, उन सब चुरादिगण, अदादिगण, स्यादिगण, सुनादिगण, इन सब गणों का भी सुंदर प्रयोग इसमें हमको देखने के लिए मिलता है। तो संस्कृत भाषा के व्याकरण का सुंदर प्रयोग इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। हम जैसे जैसे यहाँ आगे से आगे पढ़ेंगे इस सहमुशी को, तो हम देखेंगे कि वहाँ उसके चीज़ों, उस में आए हुए व्याकरण के बारे में हम जान पाएंगे, हम अनुभव कर पाएंगे कि किस रूप में कवि ने इसमें इस व्याकरण का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें कुछ जो कथा है, हमने पहले भी कह दिया कि इसमें कुछ कथाएं जो इतिहास प्रसिद्ध और काल्पनिक हैं, इस तरह हम कह सकते हैं कि सहमुशी में वर्णित कथाएं जो हैं वो हमें करणीय और अकरणीय का बोध कराती हैं, हमारे जीवन का निर्माण करने के लिए हमें दिशा प्रदान करती हैं, और हम कह सकते हैं कि हमारे सच्चरित्र निर्माण के लिए वे हमें मार्ग प्रशस्त करती हैं। इस रूप में यह सहमुशी एक कथा, छोटी लघु कथाओं से संबंधित यह पुस्तिका हमारे लिए, हमारे जीवन निर्माण के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। अब हम देखें इस सहमुशी किताब में आपके कई कथाएं वर्णित हैं। इन कथाओं को किस रूप में आपको पढ़ना है, किस रूप में इसको आपका अध्ययन के अधिकृत में लाना है, वो हम आपको बताएंगे। आप यहाँ सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे इस स्लाइड में आपका प्रथम पाठ जो है, मैत्री नाम का जो पाठ है, उसको यहाँ पर रखा है। हम इस पाठ को पढ़ेंगे, किस रूप में इसको पढ़ना है, और आपकी परीक्षा की तैयारी या आपको इस पुस्तक की तैयारी किस रूप में करनी है, इसको हम इस छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा जानेंगे। जैसे कि हमने पहले भी कह दिया है कि जब भी आप संस्कृत को पढ़े तो उसमें कर्ता, कर्म, कारक और इन सबको जानना, यानी 6 कारक को आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही आपको कुछ शब्दार्थ का, कुछ क्रियाओं का, कह सकते हैं कि धातु पाठ का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। और जब आप अन्वय हिंदी में, जब आप हिंदी में इसका भावार्थ कर रहे हैं, तो इसमें आपको
कुछ बातों का जो ध्यान रखना है, वो जो हमने पहले भी बताया अभिज्ञान शाकुंतलम जब हम पढ़ रहे थे, तो उसी रूप में यहाँ पर भी आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपको इसमें जैसे संस्कृत में है कर्ता कर्म और क्रिया का नियत स्थान नहीं होता, वे कहीं पर भी वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन हिंदी में उनका अपना स्थान है, उनका अपना नियत स्थान होता है किस रूप में उसका प्रयोग किया जाए, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें पहले इसके शब्दों के अर्थ का ज्ञान करना होगा और उसके पश्चात हमें उसका हिंदी अर्थ करना चाहिए। हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखें, ये कथा आपके सामने दिख रही है, इसमें लिखा हुआ है मैत्री की कथा धार्मिकः। आप पेज नंबर 2 के पर ध्यान देंगे जहाँ लिखा हुआ है धार्मिका जनाः स्वकीय माराध्य उपासते धर्मस्य क्षेत्रे उपासनाया भक्त्या वा मूल्यम वरिवर्ति धर्मस्य महत्वपूर्णमपरम तत्त्वं सदाचारः तस्य धार्मिक्या सामाजिक्या च दृष्ट्या विलसति प्रोन्नतम पदम नास्ति केनापि मनुजेन सदाचारिना भव्यम यतः स्वस्थ समाज संरचना भवेत। अब ये मैंने छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने पढ़ा, ये तो हमने केवल उसके पूरा एक कंटिन्यू में पढ़ा है। अब हम इसका संधि विच्छेद के साथ इसका अर्थ करेंगे। जैसे प्रथम पंक्ति का, जैसे प्रथम वाक्य का आप अर्थ करेंगे, धार्मिका जनाः स्वकीय माराध्यम उपास्यते, अर्थात धार्मिका जनाः स्वकीयम, ये शब्द हो गया, संधि विच्छेद करेंगे, आराध्यम आराध्य को उपासते उपासना करते हैं। तो इसका अगर धार्मिक जन, धार्मिक जनाः धार्मिक लोग, स्वकीय अपने, स्वकीयम आराध्यम उपासते आराध्य की उपासना करते हैं। धर्मस्य क्षेत्रे धर्म के, षष्ठी विभक्ति धर्मस्य धर्म के, क्षेत्रे क्षेत्र में, उपासनाया उपासना का, भक्त्या वा अथवा भक्ति का, मूल्यम वरिवर्ति मूल्य है, धर्मस्य महत्वपूर्णम अपरम तत्वम, धर्म जो है, धर्म का महत्वपूर्ण जो जो तत्व है वह है सदाचार, तस्य धार्मिक्या सामाजिक्या च दृष्ट्या विलसति प्रोन्नतम पदम, उसका धार्मिक, तस्य यानी उसका, धार्मिक्या यानी धार्मिक और सामाजिक दृष्टि, दृष्टिया दृष्टि से, विलसति प्रोन्नतम पदम, प्रोन्नतम यानी ऊंचा स्थान, पदम यानी स्थान, विलसति है। तो कहने का तात्पर्य कि उस धर्म का यानी धार्मिक और सामाजिक दृष्टि में, उस सदाचार का धार्मिक और सामाजिक दृष्टि में ऊंचा स्थान है। नास्तिकेन अपि मनुजेन, नास्तिकेन अपि इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो नास्तिकेन यानी नास्तिक के द्वारा, अपि मतलब भी, मनुजेन मनुष्य के द्वारा, सदाचारिना सदाचार का, भाव्यम सदाचारिना भाव्यम यानी सदाचार का प्रयोग करना चाहिए, यतः क्योंकि स्वस्थ समाज संरचना भवेत। यतः यहाँ पे क्योंकि अर्थ में भी होता है, यहाँ पे यतः मतलब जिससे, ताकि, यतः जिससे स्वस्थ समाज संरचना भवेत, जिससे स्वस्थ समाज की संरचना भवेत हो सकती है या हो सके। इस रूप में हमने प्रथम पैराग्राफ का अर्थ किया। अब देखिए और आगे जो इसमें यह भूमिका हो गई, जो कवि, जो रचनाकार अपनी इस कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं उस बात को कह रहे हैं, और वो कथा यह रूप में है, कश्चित, अब आपके, हमें विच्छेद के साथ ही हम इसको पढ़ेंगे, कश्चित मुनि ही स्वकुटीरे योग निद्रायाम शयना आसीत। कश्चित मुनि, कोई मुनि, स्वकुटीरे अपने कुटिया में, योग निद्रायाम योग निद्रा में, शयान आसीत सोया हुआ था। मतलब एक मुनि अपने कुटीर में सोया हुआ था, योग निद्रा में सोया हुआ था। अबे मध्य रात्रि वेलायाम, अर्थात मध्य रात्रि की वेला में, मध्य रात्रि का समय था, मध्य रात्रि वेलायाम मध्य रात्रि के समय, अकस्मात, अकस्मात यानी एकाएक, तस्य उसके, निद्रा भंगो जाता, उसकी निद्रा भंग हो गई, जाता हो गई, तेन न्यभाली उसने देखा, न्यभाली अर्थात देखा, यत कि तस्य प्रकोष्ठे उसके कुटिया में, प्रकोष्ठ यहाँ पे देखिए ये पर्यायवाची शब्द है, जो कुटीर का पर्यायवाची शब्द है, उसके प्रकोष्ठ में, कश्चित कोई, सुंदर आकृति, सुंदर आकृति वाला, पुमान यानी पुरुष, प्रदीप प्रकाशे प्रदीप के प्रकाश में, किंचन कुछ, लिखन लिख
लिखन संतिष्टे, लिखता हुआ बैठना, लिख रहा था। संतिष्टे, अब यहाँ ये भी प्रयोग सुंदर लिख किया गया है। संतिष्टे ये जो एक तिष्ठति धातु है, स्था धातु से तिष्ठति शब्द जो परस्मै शब्द में बनता है, लेकिन सम उपसर्ग लगने के कारण इसका रूप जो आत्मनेपद में हो गया है, अर्थात संतिष्ठे। तो यहाँ पर सुंदर प्रयोग आप देख पा रहे हैं। और एक कुटिया के लिए प्रकोष्ठ भी प्रयोग हुआ और स्वकुटी, कुटिया, कुटीर नाम का भी यह पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है। अब आगे देखेंगे कथा को। मुनिना, मुनिनाम पृष्ठम, मुनि के द्वारा पूछा गया, को भवान, आप कौन हैं? कुतो हो भवान, कहाँ से आए हैं? किमत्र, किमर्थ अत्र, किमर्थम अत्र भवान, किस लिए यहाँ आए हैं? किम कुर्वन भवान, यहाँ क्या कर रहे हैं? इस रूप में वह मुनि प्रश्न पूछता है। फिर आगंतुकेन प्रयुक्तम, आगंतुक के द्वारा कहा गया, उत्तर में क्या कहा गया? भगवतो दूतो अहम, भगवान का दूत हूँ मैं। अहम मैं, भगवान का भगवत दूत, मैं भगवान का दूत हूँ। भगवतः समीपात समागतो अहम, अहम यानी मैं भगवतः समीपात, भगवान के पास से समागतः आया हूँ। अब देखिए इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि क्रिया और कर्ता का स्थान दूर दूर है। अहम यानी मैं, और या अहम कौन है? कर्ता। समीपा समागत अर्थात क्रिया हो गई, तो मैं आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? भगवतः समीपात, भगवान के पास से आया हूँ। भगवत, भगवत भक्तानां सूची निर्माणार्थम मर्त्य लोके समागतो अहम, भगवान के, मैं भगवान के भक्तों के नाम लिख, सूची नहीं, उनकी सूची बनाने के लिए, भगवान के भक्तों की सूची बनाने के लिए मैं इस मनुष्य लोक में आया हूँ। सुच्याम अस्याम प्रथमम नामः तत्र भवत एव लिखतेतराम मया। अब यहाँ पे मया यानी मेरे द्वारा, सुच्याम अस्याम, अस्याम सुच्याम, इस सूची में प्रथम नाम तत्र भवतः एव लिखतेतराम यानी तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ। अब साधु उवाच, साधु ने कहा, न अहम भगवत भक्तः, मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ। न अहम मंदिरादिकम गच्छामि, ना मैं मंदिरादिकम मंदिर आदि में, ना मैं मंदिर आदि को जाता हूँ, गच्छामि जाता हूँ। न च भगवतो नाम जपामि, ना मैं भगवान का नाम जप करता हूँ, नहीं भगवान नाम का जाप भी मैं नहीं करता हूँ। कृपया भगवत भक्तानां सूच्यां मम अभिधानम न एव लेख्यम, कृपा कर, कृपया यानी कृपा करके भगवत भक्तानाम, भगवान के भक्तों के सूच्याम यानी भगवान के भक्तों की सूची में मम यानी मेरा अभिधानम, अभिधान नाम, मेरा नाम न एव लिख्यम, न लिखे। फिर समाप्तिम आपता वार्ता, अब क्या हो गई? समाप्तिम आपता वार्ता, वार्ता समाप्तिम, समाप्तिम आपता अर्थात बात जो है वो समाप्त हो गई। वीता रजनी, रजनी यानी रात्रि बीत गई। वासरो अपि व्यतीतः, दिवस भी बीत गया। पुनः रात्रि समागता, पुनः रात्रि आई। शय्याम गतो मुनि, मुनि ही शय्याम गतः, मुनि शय्या पर गया। मध्यरात्रि वेला, अब मध्यरात्रि की, मध्यरात्रि का समय हो गया। भगना प्रमिला व्रतिनः, व्रतिनः साधु की, साधु की नींद क्या है? भंग हो गई। प्रमिला नींद, भगना भग्न हो गई, मुनि की नींद टूट गई। अब स एव पुमान पुनः दृष्टि गोचरो बभुव मुने है, मुने है मुनि के द्वारा, मुनि के, स एव वही पुमान पुरुष पुनः, पुनः यानी फिर से, दृष्टि गोचरो बभुव यानी वही पुरुष पुनः मुनि के द्वारा देखा गया। ऋषिना भणितम, ऋषि के द्वारा कहा गया, भणितम कहा गया। भगो यानी अरे, ह्यो मया स्पष्टम उक्तम, कल मैंने स्पष्ट रूप में कहा था। ह्यो यानी कल, मया मेरे द्वारा, स्पष्टम यानी स्पष्ट रूप से, उक्तम कहा गया। न अहम मैं नहीं, भगवतो भगवान का भक्त हूँ। तत् किमर्थम पुनरागति
व्याधाई भवता, अर्थात तो फिर तुम्हारा पुनः यहाँ आगमन क्यों हुआ? यह प्रश्न पूछने पर वह भगवान का दूत कहता है, भगवत दूत प्रोवाच, भगवत दूत ने कहा, महामानव, हे महामानव, कल मया, मेरे द्वारा, तेषाम यानी उनका, उन लोगों की नरपुंग गवानाम सूचि निर्मीयते स्म, यानी मैं उन नरपुंगवानाम अर्थात नरों, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ महान है, उन महापुरुषों की मैं सूचि का निर्माण कर रहा था। ये भी हो भगवान प्रिय, जिनको भगवान प्रिय है, अद्य आज अहम मैं तेषाम उनकी यानी उन लोगों की पुरुष सिंहा नाम नामानी लिखामि। पुरुष सिंहा नाम पुरुष में जो सिंह के समान है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का नाम लिखामि लिखूंगा। ये लिखता हूँ, ये जो किल किल यानी यहाँ पर ये पाद पूर्ति के रूप में, जो निश्चित रूप से भगवते प्रिया, जो भगवान के प्रिय है, तत्र भवान, तत्र यानी वहाँ, भवान यानी आप, भगवती श्रद्ध श्रद्धाती न वा, तो इसके तत्र भवान, वहाँ पर आप भगवती यानी भगवान में श्रद्धाती न वा, श्रद्धा करते हो या नहीं, परंतु भगवत तू, भगवान तू, परंतु भगवान जो है कृपा परो अत्र भवती, तुम्हारे ऊपर कृपा पात्र हैं, तुम्हारे ऊपर कृपा किए हुए हैं, यतो हो क्योंकि, या फिर यतो हो जिसमें आप देख, क्योंकि भवान आप प्राणी मात्रम, प्राणी मात्र के प्रति, प्रति आप आगे और जोड़ दीजिए, प्राणी मात्रम प्रति यानी प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना को तनोती रखते हैं, इसलिए तथा च उक्तम। तो यहाँ तनोति तक यह कथा समाप्त होती है। तो हमने देखा कि किस रूप में एक एक शब्द का अर्थ करते हुए उनके बाद उसमें कर्ता क्रिया को पहचान कर हम उसका अर्थ करते हैं। अब इस पूर्ण संपूर्ण कथा का मार्मिक मर्म जो है उसको एक श्लोक के अंतर्गत रचनाकार ने प्रस्तुत किया है, जो इस रूप में है, सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं मध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। अब यहाँ हम श्लोक का अर्थ करेंगे, देव हे देव, सत्वेषु मैत्रीं, सभी जीवों के प्रति मैत्री की भावना रखें, गुणिषु प्रमोदं और गुणीजनों के प्रति प्रमोद भावना, क्लिष्टेषु जीवं कृपा परत्वं, क्लिष्टेषु यानी कष्ट में यानी दुख वाले जो जीव है, जीवेषु क्लिष्टेषु जीवेषु यानी दुखी जीवों के प्रति कृपा परत्वं, जो कृपा रखते हैं यानी करुणा भाव रखते हैं, और मध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ, और मध्यस्थ भाव को बना रहे, अर्थात यहाँ पे केवल हमने अर्थ किया विपरीत वृत्तौ यानी विपरीत वृत्ति वाले के प्रति, अब क्या है, मध्यस्थ भाव, मध्यस्थ भाव बना रहे हैं, सदा मम आत्मा, सदा के लिए मम मेरी आत्मा विदधातु बने, अर्थात हे देव, सबके प्रति मैत्री, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भावना, और दुखी जनों के प्रति कृपा के भाव, और विपरीत वृत्ति वाले लोगों के प्रति मेरे मध्यस्थ भाव, इस रूप में मेरा मन सदा बना रहे। इस रूप में कवि ने इस श्लोक को प्रस्तुत किया है, और पूर्ण कथा को आपने देखा कि किस रूप में हमें पढ़ना है। जब आप इस रूप में पढ़ेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि यदि किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसका अच्छे से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं। अब आपके इसी पाठ्यक्रम की पुस्तक के अंतर्गत पीछे के जो पाठ है, जो पृष्ठ जो पीछे के जो पेपर्स हैं, जो किताब के अंत में जो आपको दिखेंगे, वहाँ पर संपूर्ण जितने भी पाठ, 40 पाठ हैं, उन लगभग पाठ के प्रश्न उत्तर के रूप में लघु प्रश्नात्मक और कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न के लिए आपको रखे गए हैं, उनको आपको देखना है। उन प्रश्नों के उत्तर को आपको इस कथा को पढ़ने पर उनके उत्तर किस रूप में देने हैं ये आपको जानना है। हालांकि आपकी परीक्षा में
कभी संस्कृत पूछा भी जाए और हिंदी भी पूछा जा सकता है, आपको दोनों की तैयारी रखनी होगी। जैसे हमने अभी इस कथा को पढ़ा तो हम देख सकते हैं कि जब संस्कृत में प्रश्न पूछा गया तो संस्कृत में उत्तर दीजिए, यदि आपके पाठ्यक्रम में वो हिंदी उत्तर देने के लिए सहमति हो तो आप हिंदी भी उत्तर दे सकते हैं। तो व्याकरण आप इस रूप में इसका करेंगे, जैसे एक वाक्य में संस्कृत में उत्तर दे ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको केवल एक वाक्य अर्थात एक शब्द भी हो सकता है उसमें, और एक वाक्य और दो वाक्य भी हो सकते हैं। धार्मिका जनाः कम उपासते, जब यह प्रश्न पूछा गया तो धार्मिक जन अपने आराध्य की पूजा या उपासना करते हैं, तो धार्मिकः जनाः आराध्य उपासते। फिर दूसरा प्रश्न है, मुनि योग निद्रायाम कुत्र शयन आसीत, यानी मुनि योग निद्रायाम योग निद्रा में कुत्र कहाँ पर शयन सोया आसीत था, कहाँ सोया हुआ था, तो स्वकुटीरे अपने कुटिया में, तो मुनि ही योग निद्रायाम स्वकुटीरे शयान आसीत, इस रूप में आप इसका उत्तर देंगे। भगवत दूतः कल्ये केशां सुचि निर्मितवान, प्रश्न पूछा गया कि भगवान का दूत कल्ये कल केशां किसकी सुचि निर्मितवान निर्माण की, तो भगवान के दूत ने कल किसकी सुचि की निर्माण की थी, तो वह निर्माण की थी जो भगवान जिसको प्रिय है, भगवान जिसको प्रिय है उसकी सूची का निर्माण उसने किया था। तो इस रूप में आप इसके उत्तर, तो आप सहज, ये तो बहुत इजी भी है, आप इसको कर सकते हैं। थोड़े हम इसके समास ग्रामर के प्रति भी थोड़ा ध्यान देंगे, जिस रूप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड प्रश्न जो आपको पूछा गया है, नीचे लिखे गए पदों का समास बताएं, तो आप समास को भी ध्यान रखेंगे, साथ साथ आपके पाठ्यक्रम में जो व्याकरण चल रहा है उसके साथ साथ आप उसका प्रयोग इसमें कर सकते हैं। जैसे प्रदीप प्रकाशे, ये अभी प्रश्न यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा समास है, समास पांच प्रकार के हैं, आप जानते हैं कर्मधारय, बहुव्रीय समास, तत्पुरुष समास, केवल समास, तो इन द्वंद समास, तो हम इन समास में इनको पहचानना है कि इसमें कौन सा समास है। हम समास के स्वरूप की या फिर उनके डेफिनेशन के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आपने पहले जान लिया होगा, पढ़ लिया होगा, हम केवल यहाँ पर इनका समास किस रूप में आपको बताना है ये बता रहे हैं। प्रदीप प्रकाशे, यानी प्रदीपस्य प्रकाशे, प्रदीप के प्रकाश में, क्योंकि वह प्रदीप के प्रकाश में लिख रहा है, तो प्रदीपस्य प्रकाशे, इस प्रकार इसका समास का समास होगा, और इसमें तत्पुरुष समास है। भगवत दूतः, भगवतः दूतः, भगवान का दूत, तो भगवतः दूत, इसमें भी तत्पुरुष समास है। वैसे ही मर्त्यलोकः अर्थात मृत्यु, मर्त्यानाम लोकः यानी मनुष्यों के लोक पर, तो मनुष्य मर्त्यानाम लोकः, इस रूप में मर्त्यलोकः यह तत्पुरुष समास है। नरपुंगवः यानी जो नर में, मनुष्यों में जो महान है, तो मनुष्य में महान है, तो नरेषु पुंगवः जो मनुष्यों में महान है, इस रूप में इसमें भी तत्पुरुष समास है। और तीसरा जो प्रश्न है वो तो आपके लिए एकदम सरल ही होगा, क्योंकि इसमें केवल आपको वाक्य बनाना है, जैसे गच्छामि का आप किसके साथ मेल करेंगे, तो भगवतः नाम है, मंदिरादिकम है, पुमान है, और मैत्री भावना है, तो गच्छामि मंदिरादिकम यानी मंदिर आदि को मैं जाता हूँ। जपामि किसका जप करते हैं, भगवतो नामः, इस रूप में आप इसका आप मैच द फॉलोइंग इजी से कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके लिए वह यह है कि निम्नलिखित पदों का परिचय दे तथा वाक्य में प्रयोग करें। अब आपको इसमें संस्कृत पढ़ते पढ़ते आपका अधिकार यह भी हो जाए कि आप अच्छी तरह से संस्कृत के प्रयोग कर पाए, इसके लिए यह भी प्रश्न आपके इस पुस्तक में रखा गया है। जैसे भक्त्या, भक्त्या कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीया विभक्ति, तो हम इस भक्ति भक्त्या से एक सेंटेंस हमको निर्माण करना है। और वैसे ही नेभाली मुनिना, आप इसमें विभक्ति को पहचान लें और इनका प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। इसी रूप में संधि विच्छेद कीजिए, जब आपको कहा गया तो आपको संधि तो बहुत इजी है जिसको आप कर सकते हैं, सद आचार सदाचार, प्रयुक्तम प्रति उक्तम प्रयुक्तम, इस रूप में आप इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो हमने अभी केवल एक पाठ का ही अध्ययन किया है, और भी हम पाठ का अध्ययन करेंगे। आप